अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। ईद के दिन चल रहे हैं जी, और ईद से बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लेते हुए कहा कि अगर छोटी मार्केट्स को ओपन कर दिया जाए तो मॉल्स को बंद रखने का कोई जवाब पैदा नहीं होता। ऐसा ना हो कि छोटे ताजर भूख से ना मर जाएं। और ऐसा कौन सा दिन आया कि सूरज हफ्ते इतवार को मगरिब से निकलता हो। चूँकि कोविड-19 का टाइम चल रहा है और बहुत सारे लोग मुतासर हैं और मुश्किल वक्त में गुजर रहे हैं, और पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में अपने लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो चीफ जस्टिस ने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि 7 दिन ही पूरे पाकिस्तान में सब कुछ खुला रहेगा। उसकी टाइमिंग 9 to 5 है। और गुलजार अहमद ने भी इस चीज़ का फैसला लिया, हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो भी, तो उन्होंने कहा कि अवाम कभी भी हुकूमत की गुलाम नहीं होती, तो लोगों को उनका राइट लाजमी मिलना चाहिए। और किसी को कुछ पता नहीं कि कोविड-19 कब ख़त्म होगा, और आने वाले वक्त पे ऐसा ना हो कि लोग भूख से मर जाएं। और इस मुश्किल वक्त में एक SOPs बनाई है ताकि लोग अपने कारोबार चला सकें और शाम 5 बजे के बाद वहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरीज मिल सकें, ताकि लोगों को खाना पीना हर चीज़ डिलीवरीज के साथ साथ मिलती जाए। ये बहुत ही अहम फैसला लिया गया, और स्पेशली ईद के दिनों में, ताकि लोगों को हर एक ज़रूरत की चीज़ें मिल सकें। और एक और बड़ी खुशखबरी जो पाकिस्तान में अभी रिसेंटली सुनने को आई है कि पाकिस्तान ने अपनी ट्रेन्स को ओपन कर दिया है, और वहाँ पे मौजूद जो लोग जो अच्छी तरह से आगाह हैं न्यूज़ से कि वहाँ पे ऑनलाइन टिकट्स मिल रही हैं, ताकि वो लोग अपने दूसरे बहन भाइयों और रिलेटिव से मिल सकें ईद के स्पेशली दिनों में। और ऑनलाइन टिकटों के साथ साथ उनको पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है, और एयरलाइंस को और ट्रेनों को और वहाँ पे पूरे स्टेशन्स को अच्छी तरह से सैनिटाइज करके लोगों को सर्विसेज मिल रही हैं। दोस्तों, इस कोविड-19 जैसे टाइम में गवर्नमेंट अच्छी तरह से लोगों को आगाह कर रही है, उनको सर्विसेज दे रही है, और हर वो सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है जो हमारी रेगुलर ज़रूरियात के मुताबिक हैं। दोस्तों, प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ ईद के दिनों में जब भी मार्केट में जाओ तो हैंड्स में ग्लव्स और मास्क लाजमी पहन लो, ताकि एक दूसरे को कोविड-19 जैसी वबा से दूर रखा जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है, और इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस करके रखें, ताकि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में ईद के दिनों में कोविड-19 जैसी बीमारी और फैल सके। ये बहुत ही अहम फैसले लिए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मे भी इस चीज़ को तस्लीम किया है, और पाकिस्तानी कौम को एक रिलीफ मिल गया। प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बेल के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि हम लोग आगे बात कर सकें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।